बताएं आज ये आप किस विषय को लेकर यहाँ पर साफ सफाई का क्या अभियान क्या है आपका? विगत 5 दिवस से हमारा श्रमदान का जो अभियान मीठा तालाब की सफाई का अभियान, हम लगातार युवक कांग्रेस के साथ ही प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस के नईम अहमद जी के नेतृत्व में यहाँ पे सब लोग हम श्रमदान कर रहे हैं। और इस श्रमदान को हम साप्ताहिक इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कल 19 जून को राहुल गांधी जी का जन्मदिवस है और राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम इसको साप्ताहिक श्रमदान के रूप में इस अभियान को छेड़ा है। कितने दिन से चल रहा है ये आपका? विगत 5 दिवस हो चुके हैं, आज 5वां दिन है और 5 दिन में हमने आधे से ज़्यादा इस तालाब के सफाई का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो किस तरह की जो गंदगी देखने में आई यहाँ पर आपके द्वारा साफ सफाई के दौरान? बहुत ज़्यादा कुछ पूजा का सामान है, कुछ विसर्जन का सामान होता है। हमने तो कल यहाँ पे देखा कि एक मरा हुआ कुत्ता एक चादर में लपेट के यहाँ पे फेंक दिया गया था, जो पानी में गिरा हुआ था उसको हमने निकाल कर के उसको फिकवाया है वापस कचरा गाड़ी में। ये कार्यक्रम के समापन के दौरान कुछ शासन से मांग रखना चाहेंगे? कार्यक्रम के समापन के बाद हम शासन से एक मांग, बहुत जो ज़रूरी है हमारे इस मीठा तालाब के लिए, इसमें जो जाली से आसपास का ये जो कवर हो जाए ताकि इसमें इस पानी को दूषित नहीं होने दिया जाए, और जो लोग कचरा फेंकने आते हैं उनके लिए भी 2 कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ पे ऐसा चौकीदार जैसी ड्यूटी होना चाहिए, जो कोई भी कचरा यहाँ फेंकने आए तो उसको मना करे, क्योंकि ये पानी को अगर हम नहीं दूषित करेंगे तो ये पलट के हमको वापस दूषित करेगा। जो लोग अपने धार्मिक कुछ भी अपना आयोजन के लिए यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक अपने एक स्थान की मांग करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी रहती है तालाब से, नदियों से, कुओं से, लेकिन मेरा सबसे निवेदन ये है, वो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, सभी से निवेदन ये है कि कम से कम ये भी पानी भी एक देवता के रूप में माना गया है, हिंदू धर्म में भी माना गया है और सभी धर्मों में माना जाता है। ये इसको दूषित करने के बजाय हम जो है हमारा धर्म का पालन भी करें और इस पानी को दूषित भी ना करें, इसके लिए हमें विचार करना होगा।